राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी राशि का संपूर्ण विश्लेषण संपूर्ण हाल लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे मेख राशि वालों के जीवन से जुड़े उनका संपूर्ण विश्लेषण, उनके रंग रूप कद स्वभाव चरित्र विद्या विवाह संतान मान सम्मान यात्रा भाई बहन व्यवसाय उन्नति तथा विशेष आयु के वर्ष बीमारी आर्थिक स्थिति शुभ अंक शुभ रत्न व घर की हालात आदि के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखने का सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपके नाम का पहला अक्षर शुरू होता है चू चे चो ला ली लू ले लो अ, आप मेख राशि के अंतर्गत आते हैं। मेख चर एवं अग्नि तत्व राशि है। मंगल इसका स्वामी, सूर्य इसमें उच्च का तथा शनि नीच का होता है। मेख राशि वालों का कद मझला, शरीर पतला किंतु सुगठित, रंग गेहुआ व साफ परंतु रंग रूप अधिक चिकना चुपड़ा नहीं होता। गला एवं मुंह कुछ लंबा, भौहों पर घने बाल, जो भौहें होते हैं वहां पे कुछ घने घने बाल होते हैं। सिर के बाल कुछ रूखे रूखे होते हैं, अच्छे दबदबे वाले और दृष्टि तेज एवं तीक्ष्ण होती है। मेख राशि वाले तेज मिजाज फुर्तीले व क्रोधी होते हैं। यह बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, इनमें साहस कूट कूट कर भरा होता है, हिम्मत तथा शक्ति कमाल की होती है। इनका मन अग्रणी होकर काम करने पर प्रसन्न रहता है। यह बड़े निर्माता होते हैं तथा किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते। यह निडर एवं निर्भय भी होते हैं तथा जोखिम के काम बड़ी कुशलता से करते हैं। इन्हें झगड़े लड़ाई आदि संबंधी पूरा ज्ञान होता है। इनका हृदय विशाल वचित उदार होता है। उदारता निष्काम सेवा इनका आभूषण होता है। क्योंकि चर राशि है यह परिवर्तनशील होते हैं। यह अपनी बात मनवा कर छोड़ते हैं। यह समझते हैं कि बुद्धि एवं ज्ञान में यह सबसे आगे हैं। यदि मेख राशि वाला क्रोध में आ जाए तो धीरे धीरे और बड़ी मुश्किल से ही शांत होता है। इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है। जिस कार्य के पीछे पड़ जाए पूरा करके ही छोड़ते हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करना ही ठीक समझते हैं। खुशामत इन्हें खूब भाती है तथा आलोचना का बहुत बुरा मानते हैं। हर काम में जल्दबाजी करते हैं और इसलिए कई बार काम में सफलता भी नहीं होती। कार्य आरंभ करने में पूरी दिलचस्पी होती है परंतु अंत तक पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रहती। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इनमें चतुराई कुशलता न्यायिक कुशलता दृढ़ता एवं दूसरों का सामना करने का पूर्ण साहस होता है। हिम्मत उदारता व स्वाभिमान भी कमाल का होता है। धार्मिक भावनाओं के साथ साथ कलाकृतियों सौंदर्य की परख राग रंग चित्रकारी सिनेमा आदि से भी प्रेम होता है। मेख राशि वाले की खुशामत करके काम निकलवा लेना सरल ही होता है। मेख राशि वाले प्रेम और मित्रता जल्दी करते हैं पर यह अस्थाई नहीं होती। मित्र की सहायता तो ये करते हैं किंतु मित्र इनसे ईर्ष्या ही करते हैं। यही कारण है कि वे शत्रु बन जाते हैं परंतु इनकी हानि नहीं होती। अगर विवाह की बात किया जाए तो मेख राशि वाले जातकों का विवाह 28 वर्ष से पहले हो जाता है। यदि मंगल व शुक्र की स्थिति ठीक न हो तो 29 वर्ष में विवाह होता है। पारिवारिक एवं संतान का दुख कम ही होता है, संतान भी कम होती है पर एक लड़का तो अवश्य होता है। मेख राशि एक चर राशि है। सैर सपाटा करना पसंद करते हैं, यात्राएं करनी पड़ती हैं, दूर दराज एवं अच्छे अच्छे स्थानों पर घूमने फिरने के शौकीन होते हैं।
मेख राशि वाले जातक साहस के कामों में जैसे सैनिक, पुलिस, हुकूमत करना, शासन करना, सर्जन, डॉक्टर, मशीन, भट्टी, लोहा व अन्य धातुएं डालना तथा इंजीनियरिंग में सफलता प्राप्त करते हैं। ये साधारणतया डॉक्टर, पुलिस व सेना में अधिक ख्याति अर्जित करते हैं। 22 से 28 वर्ष की आयु तक यह व्यवसाय में लग जाते हैं। अगर हम मेख राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करें तो इन जातकों की आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील होती है। जमीन जायदाद भी होती है और स्वयं मकान भी बनाते हैं। व्यापार एवं भागीदारी लाभप्रद होती है। खर्चीले भी होते हैं तथा कई बार फिजूल खर्च भी करते हैं। यदि मंगल के साथ बुध हो तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है और कई बार झूठ भी बोलने लगते हैं। बचपन में प्रगति के कार्यों में रुकावटें तथा कठिनाइयां भी आती हैं, जिससे बचपन में सुख कुछ कम ही होता है। पढ़ाई में तेज होते हैं और खेलों में पूरा भाग लेते हैं। साइंस, तकनीकी शिक्षा, डॉक्टरी एवं फाइन आर्ट्स में भी रुचि अधिक होती है। मेख राशि वाले जातकों के जीवन में भाई बहनों का सुख कम ही होता है, परंतु ये इन्हें पूरा सुख देते हैं। मेख अग्रिम नंबर एक राशि है तथा इसका स्वामी मंगल भाइयों का कारक भी है। इस प्रकार यदि मंगल लग्न में या इसके आसपास अथवा घर 12 या 2 में होता है तो ये भाइयों में बड़े होते हैं। मेख राशि वाले जातक का शरीर पतला व मजबूत होता है, अतएव इनमें रोग प्रतिरोध सामर्थ्य स्वाभाविक होती है। सिर दर्द, बुखार, सिर में चोट, गले के ऊपरी भाग में घाव का निशान, मिर्गी, नकसीर फूटना, पेट दोष, पैर में सूजन व गैस, ब्लड प्रेशर, शास्त्र तथा अग्नि से भय होता है। पहले सोचना और फिर काम में हाथ डालने से कई संकट चले जाते हैं। अतः मेख राशि वाले जातकों को कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए, उसके बाद ही किसी काम में हाथ डालें। मेख राशि वाले जातकों के अगर महत्वपूर्ण वर्षों की हम चर्चा करें तो इनके आयु से 3rd, 9th, 12th, 15th, 16th, 18th, 19th, 21st, 22nd, 24th, 27th, 28th, 39th, 40th, 45th, 46th, 47th, 48th, 49th, 50th, 51st, 52nd, 53rd, 54th, 55th, 56th, 57th, 48th, 49th, 50th, 51st, 52nd, 53rd, 54th, 55th, 56th, 57th, 58th, 59th, 60th, 61st, 62nd, 63rd, 64th, 65th, 66th, 67th, 68th, 69th, 70th, 71st, 72nd, 73rd, 74th, 75th, 76th, 77th, 78th, 79th, 80th, 81st, 82nd, 83rd, 84th, 85th, 86th, 87th, 88th, 89th, 90th, 91st, 92nd, 93rd, 94th, 95th, 96th, 97th, 98th, 99th, 100th, 101st, 102nd, 103rd, 104th, 105th, 106th, 107th, 108th, 109th, 110th, 111th, 112th,
पढ़ाई, नौकरी, विवाह, संतान, उन्नति आदि संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती रहती है। मेख राशि वाले जातकों का शुभ दिन मंगलवार होता है, शुभ रंग लाल रंग होता है तथा शुभ संख्या 9 की होती है। संख्या 3, संख्या 6 भी महत्वपूर्ण होती है। यदि जन्म तिथि में 3, 6, 9 अधिक हो तो फिर विवाह में गड़बड़ और गृहस्थ जीवन और सुखद भी कई बार होता है। अगर हम रत्नों की चर्चा करें, इन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो मेख राशि वाले जातक मूंगा व अन्य लाल रंग के रत्न धारण करना ठीक होता है। अपने पास लाल रंग का रुमाल रखना मूंगा धारण करने जितना ही फल देता है। मूंगा जो कि 6 रत्ती भर से कम न हो, सोने की अंगूठी में जड़वाकर अनामिका उंगली में दाएं अथवा बाएं हाथ की उंगली में मंगलवार को धारण करना चाहिए। मैंने यहाँ मेख राशि वाले जातकों के जीवन के सभी सुखद और दुखद घटनाओं का चर्चा किया है। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि कुछ और जानने की इच्छा हो तो आप व्हाट्सएप करिएगा। धन्यवाद। राम राम।